इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में खीर भवानी मेले के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। बीते दिनों जम्मू और कश्मीर के गांदरबल जिले के तुलमुल्ला गांव में माता खीर भवानी के वार्षिक मेले का आयोजन किया गया। अब जान लेते हैं इस मेले के बारे में। इस मेले का आयोजन हिंदू कैलेंडर के ज्येष्ठ माह की अष्टमी को हर साल खीर भवानी मंदिर में किया जाता है। अमरनाथ यात्रा के बाद यह कश्मीर में हिंदुओं का सबसे बड़ा मेला है। 1990 के दशक के बाद इसे केवल कुछ भक्तों द्वारा मनाया जाने लगा, लेकिन इस मेले को एक दशक पहले फिर से नई पहचान देने की कोशिश की गई। इसमें कश्मीरी हिंदू तीर्थ यात्रियों द्वारा मंदिर की यात्रा फिर से शुरू की गई। सैकड़ों स्थानीय मुसलमान भी पारंपरिक रूप से समारोह में शामिल होते हैं। अब बात कर लेते हैं खीर भवानी मंदिर के बारे में। यह देवी राग्या देवी को समर्पित है। यह श्रीनगर शहर से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। कश्मीरी हिंदुओं के लिए यह सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। मंदिर का नाम खीर या दूध एवं चावल के हलवे से मिलता है, जिसे भक्तों द्वारा देवी को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। नजर डाल लेते हैं मंदिर की विशेषताओं पर। इस मंदिर में एक झरना स्थित है, जिसका जल समय समय पर रंग बदलता है। ऐसी मान्यता है कि पानी का रंग आने वाले समय की भविष्यवाणी करता है। यदि यह काले रंग में बदल जाए तो इसे अशुभ या आने वाली आपदा का संकेत माना जाता है। वर्ष 1990 में भी इस झरने का पानी काला हो गया था, और यही वह दौर था जब उग्रवाद के कारण कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था, जबकि नीला रंग घाटी में शांति को दर्शाता है। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। त्योहार और राज्य: एक, माता खीर भवानी कश्मीर; दो, छठ पूजा असम; तीन, गोची महोत्सव सिक्किम। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा यहाँ से सुमेलित है या फिर है? केवल एक युग्म, केवल दो युग्म, केवल तीन युग्म या फिर सभी युग्म? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।